नमस्कार। तो आज आप फ्यूचर रिटेल स्टॉक के बारे में बात करेंगे और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखेंगे। तो फ्यूचर रिटेल की बात की जाए तो काफ़ी दिनों बाद हम लोग वीडियो भी बना रहे थे। तकरीबन देख से देखिए अभी तक जो है यहाँ पे ट्रेडिंग जो रेस्ट्रिक्टेड है वो अभी तक चालू है। ट्रेडिंग रेस्ट्रिक्टेड है IBC की तरफ से। तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते कि स्टॉक के अंदर, क्योंकि देख सकते कि कंपनी ने जो फ्यूचर रिटेल ने जो बैंकों की तरफ से यहाँ पे जो क्रेडिटर्स की तरफ से जो पैसा लिया था अपनी कंपनी बढ़ाने के लिए, तो वो बढ़ाने के बाद जो है अभी रिसेंटली देख सकते कि जो पैसा जो डेप लिया था, कर्जा लिया था, वो कर्जा फिर से नहीं दे पा रहे फ्यूचर रिटेल स्टॉक। उसी के ऊपर इंसॉल्वेंसी बैंक करप्शन कोर्ट ने यहाँ पे रोक लगा लिया, मीन्स ट्रेडिंग को रेस्ट्रिक्ट किया गया है IBC के तरफ। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते कि जो क्रेडिटर्स को पैसा नहीं मिल रहा उसी की वजह से रोक लगा ली, जैसे कि फ्यूचर रिटेल के एसेट्स है या कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल के जो क्रेडिटर्स को पैसा दे देंगे और उसी के ऊपर बाद यहाँ पे ट्रेडिंग भी चालू हो सकती है। अगर ऐसे भी देखा जाए तो फ्यूचर रिटेल के अंदर देखा जाए तो काफ़ी दिनों से ट्रेडिंग रेस्ट्रिक्टेड है, पर यहाँ पे कोई रिसेंटली अभी तक कोई डेप फिर से मीन्स डेप दिया नहीं है। ऐसे डेप के ऊपर न्यूज़ अभी सामने नहीं आ चुके हैं। तो कितने दिन हो सकते हैं मीन्स यहाँ पे वो 90 डेज़ से 180 डेज़ तक का टाइम रहता है जिसमें यहाँ पे IBC काम कर रही है। तो देख सकते कि तकरीबन नहीं तो एसेट बेच के या कोई ना कोई क्रेडिटर्स अपना हक जताएंगे उस उनके प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, जैसे कि एसेट्स हो या कोई भी हो। तो लेटेस्ट अपडेट फ्यूचर रिटेल के लिए।